बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंट्स बेस्ट सर्वाइवल मूवी कास्टवे। यह मूवी एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जो एक टापू पर 4 साल तक फंसा रहा। आज हम जानेंगे कि कैसे वह आदमी इस टापू पर फंसा, कैसे वह 4 साल बाद वहां से जिंदा बच निकला। यह सच्ची कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय जिनका नाम होता है चक, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते है। वह हमेशा चाहते है कि कंपनी का हर एक पार्सल हर एक कुरियर उसके सही वक्त पर पहुंचे, इसलिए वो अलग अलग देश घूमते हैं जहां पर उनकी ब्रांचेस होती है, और वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें वो मोटिवेट करते हैं और उन्हें समय की कीमत करना सिखाते हैं। इसी के साथ चक एक लड़की से प्यार भी करते हैं जिसके साथ वो बहुत लंबे समय से रिलेशन में थे, उसका नाम होता है कैली। चक और कैली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यह दोनों शादी भी करना चाहते हैं, पर चक अपने काम में जो कि बहुत बिजी रहते थे, वे देश विदेश ट्रैवल किया करते थे और इसी वजह से अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। अब आगे क्रिसमस आने ही वाला है, पर चेक को मलेशिया जाना होता है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का बहुत ही जरूरी काम होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस न्यू ईयर की शाम तक यहाँ पर जरूर आऊंगा। तब उसे कैली पूछते फिर क्रिसमस का क्या होगा, लेकिन आखिर में चेक कैली को मना ही लेता है और कैली भी मान जाती है। और जाते समय चेक कैली को क्रिसमस का गिफ्ट भी देता है और कैली भी उसे वापस क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो कि एक फोल्डिंग घड़ी थी और उस घड़ी में कैली की फोटो थी। अब चक का प्लेन मलेशिया के लिए निकल पड़ता है और जब उनका प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है तभी वहां पर जोर से तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, क्योंकि वह फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन था इसलिए उसमें 4 ही लोग सफर कर रहे थे, बाकी लोगों का पार्सल का सामान होता है। आगे इनका प्लेन प्रशांत महासागर में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें एक ही इंसान बच जाता है और वो होता है चक। अब चक एयरपोर्ट पर बैठता है और समुद्र की लहरें उसे अपने साथ समुद्र के किनारे बहा कर ले जाती है, और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह टापू पर होता है। चेक उस टापू के चारों तरफ देखता है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वहां पर चारों ओर पहाड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, पर उस टापू पर कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं देता। अब चेक जोर जोर से चिल्लाने लगता है मगर उसका कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर हेल्प अक्षर मोटा मोटी लिखता है ताकि अगर ऊपर से कोई प्लेन गुजरता है तो उसकी नजर उस पर पड़े। अब अंधेरा हो चुका है और चेक सो जाता है। जब सुबह चेक उठता है तो वह देखता है कि उसने पिछली बार जो रेत पर हेल्प लिखा था वह मिट चुका है। इसके बाद चेक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लेकर हेल्प लिखता है क्योंकि वह जानता है कि उसे ढूंढने उसकी कंपनी के आदमी जरूर आएंगे, और जब वह लोग आए तो उन्हें यह निशान देखकर पता चले कि चेक यहाँ पर है और उसे हेल्प की जरूरत है। अब चेक देखता है कि इस टापू पर लहरों के साथ बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी आए हुए थे लेकिन उसमें खाने का कोई भी सामान नहीं था। इसी बीच चेक को कई बार उस बीच पर अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है और जब चेक अपने चारों तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि यह नारियल गिरने की आवाज थी। अब चेक जो कि समुद्र का पानी पी नहीं सकता तो उसके पास पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है नारियल का पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल को कलेक्ट करता है लेकिन उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता। इसमें चेक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत प्रयास के बाद वह एक नारियल को निकाल भी लेता है, पर उसे फोड़ कर पानी पीना यह बहुत मुश्किल होता है। पर आखिरकार चेक नारियल में छेद करके उससे पानी पीना सीख जाता है। अब चेक को यहाँ पर 4-5 दिन हो चुके हैं और उसके पैरों में जूते नहीं होते, और जब वह पानी में चलता है तो पानी में जो पत्थर होते हैं उससे उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है और उसके पैर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद चेक अपने पैंट को आधा फाड़ कर अपने पैरों पर लिपट लेता है। तभी उसे ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखाई देती है जो बहुत ऊंची होती है। वह तय करता है कि वह उस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का नजारा देखेगा कि वो आखिर है तो कहाँ पर है। और जब वह उस चोटी पर जाता है तो उसे समंदर में कोई चीज दिखाई देती है। वह जल्दी जल्दी से नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है, और जब वहां पर जाता है तो देखता है कि उसी की प्लेन की पायलट की वहां पर डेड बॉडी होती है। यह देखकर चेक बहुत दुखी होता है और चेक उसे दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले उसके पास जो टॉर्च होती है वो और उसके जूते चेक रख लेता है क्योंकि यही दो चीजें उसके पास थी जो चेक के काम आने वाले। अब चेक को बीच पर बहुत दिन हो चुके हैं, वह अकेला है लेकिन धीरे धीरे इस टापू पर वो रहना सीख गया है। उसने सीख लिया है कि पत्तों में जो रात को उसका पानी गिरता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है और वो लकड़ी को शार्प करके उससे मछली मारने की कोशिश भी करता है। दरअसल ये बहुत पुराने टेक्निक होते हैं जो कि आदिवासी किया करते थे, और उसी टेक्निक के जरिए मछली पकड़ने की कोशिश चेक अप करने लगा है लेकिन इतनी जल्दी उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास टापू में खाने के लिए सिर्फ केकड़े है, नारियल का पानी है और ओस का पानी जो रात को पत्तों में जमा होता है, यही सब उसके खाने के लिए इस टापू पर है। अब रात हो चुकी थी, उसी दरमियान चेक को एक शिप दिखाई देती है जो कि समुंदर में होता है। उसे देखकर चेक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन इतनी दूर से
टॉर्च को देखना भी नामुमकिन था। और अगली सुबह चेक फैसला करता है उसके पास जो एयरबोट होती है जिसमें बैठकर वो इस टापू पर आया होता, वह उस एयरबोट पर बैठकर इस टापू से निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब जब वह एयरबोट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसका सामना बड़े बड़े लहरों से होता है, और वह लहरें उसे समुद्र में जाने ही नहीं देती बल्कि उसे वापस बीच पर ढकेल देती है। और इसी दौरान उसके पैर में चोट भी लग जाती है और उससे बहुत खून भी निकल जाता है, और चेक अब वापस बीच पर आ चुका है। इसी दौरान रात को बारिश होने लगती है और चेक वहाँ पर एक गुफा होती है, उस गुफा के अंदर चला जाता है और टॉर्च जलाता है, और रात को टॉर्च जलाकर ही सो जाता है। और सुबह वह उठता है तो देखता है कि टॉर्च की सेल अब खत्म हो चुकी है और अब चेक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं होता, और उसे यह भी नहीं पता था कि आग जलाए तो जलाए कैसे। अब वो उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडेक्स कंपनी के होते हैं और जो तैरकर बीच पर आए हुए थे। वो एक एक करके सब बॉक्स खोलता है, उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन उसे काम की एक दो ही चीज मिल पाती है। उसे उसमें जूते मिलते हैं जो कि स्केटिंग के होते हैं, जिसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। वो उनके ब्लेड को निकल लेता है, और अब उसके पास चाकू टाइप की एक चीज होती है जिससे वो नारियल को फाड़ सकता है, उसे चीर सकता है और किसी चीज को भी शार्प कर सकता है। चेक अब एक लकड़ी को शार्प करता है और उसे एक औजार की तरह बना लेता है। दोबारा मछली को और केकड़ों को उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछली को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। हालांकि केकड़े तो पहले भी उसके किनारे पर मिलते थे पर मछलियों को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसके आगे चेक के सामने बड़ी समस्या यह थी कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, और इसलिए उसे आग की जरूरत थी, और आग जलाने की बहुत कोशिश वो करता है। उसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं लेकिन चेक को कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत निराश हो जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले वाले सीन में हम देखते हैं इसके बाद वो नारियल को छिल रहा होता है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आती है कि अगर मैं दो लकड़ियों को आगे पीछे घिसू तो शायद आग जल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से लकड़ी से आग जलाने की वो कोशिश कर रहा था उसमें उसके हाथ छिल गए थे। अब वह दूसरी तरह से ट्राई करता है और बहुत मुश्किल के बाद आग जल जाती है, और आग जलने के बाद चेक बहुत खुश हो जाता है, और इस टापू पर आने के बाद पहली बार उसे इतनी खुशी मिलती है। इसी के साथ वहां पर जो सामान पड़ा था उसी सामान में फुटबॉल होता है, और उस फुटबॉल पर चेक का ब्लड लगा होता है। वो उस पर आग, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू करता है, और उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है। वो उसे विल्सन नाम से बुलाता है, और अब चेक का इस टापू पर एक दोस्त भी होता है और वो होता है फुटबॉल यानी कि विल्सन। चेक को यहाँ पर एक और चीज बहुत तकलीफ दे रही थी और वो थी उसकी दांत का दर्द। उसके दांत का दर्द बहुत पहले से ही था लेकिन चेक हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराता था, और अब उसे किसी तरह इस दांत को तोड़ना है, और वो बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है, और तोड़ने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और आज चेक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में चेक का पूरा हुलिया बदल चुका है। वो पहले मोटा हुआ करता, आज वह बिल्कुल पतला है, उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो चुकी है, उसके बाल बड़े बड़े है, और चेक इस टापू में पूरी तरह जीना सीख चुका है। वो दूर से डंडे फेंकता है और उससे मछली पकड़ता है, यानी कि वो मछली को दूर से ही मार देता है, क्योंकि 4 साल से वो निरंतर प्रयास कर रहा था, और अब इस टापू के वातावरण से, यहाँ की जिंदगी से वो पूरी तरह से घुल मिल गया है। और वहीं विल्सन और चेक की दोस्ती भी गहरी हो चुकी है। विल्सन को चेक सारी बातें बताता है, उसे दिन भर बातें करता रहता है। एक सुबह चेक मछली खा रहा होता है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, और जब वो भाग के बाहर जाता है तो उसे वहां पर एक स्टील की शीट दिखाई देती है, और उस शीट को देखकर उसे आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से आगे समुद्र में निकलने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी समुद्र की लहरें। जब भी चेक समुद्र पार करने की कोशिश करता था वो लहरें उसे वापस इस बीच पर भेज देती थी, और इसी वजह से चेक पिछले 4 साल से इस टापू से बाहर नहीं निकल पाया था। अब वह नारियल के बड़े बड़े पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पर ले जाता है और उससे एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना भी आसान नहीं था, उसे इसमें बहुत मुश्किलें आती है, और वो यह तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वह यहाँ से निकल जाएगा, और जो उसे सीट मिली थी उसे हवा के रुख के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी बेड़े को धक्का मिल सके, जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपने नाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करते थे। चेक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बेड़े को बनाता है। अब वह वक्त आता है जब हवा का रुख बदलता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े पर रखता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। चक उस लहरों को पार कर जाता है और उसके बाद वह बेहद खुश होता है, लेकिन अभी भी अनंत समुद्र पार करना था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि जमीन कब मिलेगी या फिर कोई शिप उसे कब मिलेगा। बस चेक उस टापू को छोड़कर निकल चुका है। पिछले 4 साल से चेक उस टापू पर था, और आज इस टापू से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद है, एक आशा है कि शायद वह घर पहुंचे, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होने वाला था। समुद्र में उसे बारिश, तूफान, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो खाने के लिए मछली पकड़ लेता है, पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता है। उसने बारिश का पानी जमा करने के लिए बहुत सारे नारियल को इकट्ठा किया होता है, तो जब बारिश होती है उसमें पानी भर लेता है, और
पानी को बचा लेता है ताकि बाद में उसे पी सके। लेकिन उसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन, जो कि फुटबॉल होता है, वो पानी में गिर जाता है। और जब तक चेक को पता चलता है तब तक विल्सन चेक से काफी दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी चेक पानी में कूद जाता है और उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसमें वह नाकामयाब होता है। और वापस अपने बेड़े में आने के बाद वह बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन ही वह था जिससे चेक पिछले 4 साल से बातें कर रहा था और विल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद आपको यह बात अजीब लगे कि फुटबॉल के जाने से चेक को इतना दुख क्यों हुआ, लेकिन चेक के लिए विल्सन एक फुटबॉल नहीं था। वो पिछले 4 साल से उससे बातें कर रहा था, वो उसके लिए अस्तित्व था, इसलिए वो विल्सन से इमोशनली कनेक्टेड था। इसलिए विल्सन के जाने के बाद चेक बहुत दुखी होता है। इसके बाद चेक अपना आगे का सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद चेक अब पूरी तरह से थक चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। तभी उसके सामने से एक जहाज गुजरता है और वह लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और अब चेक अपने घर अपनी जगह वापस लौट चुका है। लेकिन वापस लौटने के बाद अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उन लोगों ने, जो कि चेक के फैमिली मेंबर थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने समझ लिया था कि चेक अब मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार भी वो कर चुके थे। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बहुत प्यार करती थी, और चेक भी उससे बहुत प्यार करता था, अब उसकी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। चेक कैली से मिलने भी जाता है। कैली उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं। लेकिन कैली का अब अपना एक परिवार है, इसलिए वो चेक के साथ नहीं जा सकती और यह तय करती है कि अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग है। चेक को कैली ने जो घड़ी दी थी, जो उसके साथ उस बीच पर भी थी, वो घड़ी वो उसको वापस कर देता है, क्योंकि वह कैली के खानदान की घड़ी होती है। चेक बोलता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए, लेकिन चेक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है। और जाने से पहले कैली चेक से बोलती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चेक बोलता है कि आई एम सॉरी, और कैली बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो सॉरी। और जाने से पहले चेक को कैली एक किस करती है, क्योंकि वह आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। और चेक भी नहीं चाहता था कि कैली अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ आए। कैली के पास चेक की गाड़ी भी होती है, जिससे चेक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। कैली उस गाड़ी को चेक को वापस कर देती है और चेक उसमें बैठकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब चेक थोड़ा सा आगे गया होता है कि कैली पीछे खड़ी होकर उसे देख रही होती है और उसे चेक के जाने का बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि कुछ कुछ छूट रहा है। वह चेक का नाम पुकार कर भागते हुए उस गाड़ी के पीछे जाते हैं और चेक भी गाड़ी को वापस लेकर आता है और उसे गले से लगाता है। कैली बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम वापस आओगे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि मुझे यह सोचना बंद करना चाहिए। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। चेक बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वह दोनों किस करते हैं। चेक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और हमें यहाँ ऐसा लगता है कि चेक और कैली यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। वो दोनों कुछ दूर सोचते रहते हैं। उसके बाद चेक बोलता है कि कैली तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, और चेक उसे अपने घर तक छोड़ देता है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि चेक अपने दोस्त के साथ घर पर बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी है। वो उसे बताता है कि शायद मैं उस टापू पर मर जाता या सुसाइड कर लेता, और मैंने सुसाइड करने की सोची भी थी। मैंने एक रस्सी बनाई और फांसी लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था, और इसीलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ जाता, लेकिन मैं सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहा। और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और वह बहुत इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में चेक और कैली का लव ट्रायंगल बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत सारा प्यार था और यह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन वक्त ने, सिचुएशन ने कैली को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया और उसने शादी कर ली और अब चेक अकेला था। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही होता है। और अंत में यह दिखाते हैं कि चेक के पास आज भी एक पार्सल है जो उसे आइलैंड से बचा कर लाया था। जब उनका प्लेन डूबा था तो बहुत सारे पैकेट्स किनारे पर आए हुए थे और उसमें से एक पैकेट आज भी उसके पास है, जिस पर एंजल के विंग्स बने होते हैं। दरअसल ये उस टॉप पे उसके पास लास्ट वाला पैकेट होता है जिसे उसने अब तक नहीं खोला। और वो सोचता है कि अगर वो घर जाएगा तो उस पैकेट को वो जरूर डिलीवर करेगा, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं ना कहीं यह भी कारण होता है कि इसकी वजह से उसने अपने आप को जिंदा रखा है, क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो पैकेट वापस करने आता है। लेकिन उस घर पर कोई नहीं होता तो उस पार्सल को दरवाजे पर रख देता है और उस पर कुछ नोट लिख देता है कि दिस पैकेज सेव माय लाइफ, थैंक यू चेक नॉलिन, और वहां से वो चला जाता है। और इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि वह अब एक चौराहे पर खड़ा होता है जहां पर वो सोचता है कि अब जाए तो जाए कहां। वो एक मैप देख रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चेक बोलता है कि हाँ सच में,
वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। चेक बोलता है कि मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वह लड़की चारों रोड का रास्ता बताती है कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है और वहाँ से निकल जाते हैं। और उसकी गाड़ी पर भी वही विंग बने होते हैं जो कि उस पैकेज पर बने हुए थे और वह भी उसी तरफ जा रही थी जहाँ से चेक पार्सल को डिलीवर करके आया है। और इसके बाद चेक गाड़ी को जाता हुआ देखकर स्माइल करता है। दरअसल यह वही लड़की होती है जिसके घर में चेक अभी पार्सल रखकर आया हुआ था। और जब मूवी शुरुआत होती है तो मूवी की शुरुआत में भी यही घर दिखाया जाता है और उस पर लिखा होता है डिक और बेटिना। लेकिन जब चेक 4 साल बाद वहां जाता है तो उसके ऊपर डिक नहीं लिखा होता है, सिर्फ बेटिना लिखा होता है। लेकिन इसका मतलब है कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है, जैसे कि चेक ने कैले को खो दिया है। और अब ये दोनों भी सिंगल है तो शायद हो सकता है कि आगे ये दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करें। इसलिए चेक पहले अपने चारों तरफ का रास्ता देखता है और उसके बाद उस तरफ देखता है जिस तरफ ये लड़की गई होती है। और उसके आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती है और चेहरे पर स्माइल दिखाई देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल की घंटी को ऑन करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।